आज की वीडियो रिलेटेड होने वाली है उन कीवर्ड्स के ऊपर जिनके ऊपर आप आर्टिकल लिख के अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करेंगे। जी हाँ, मैं हूँ आसिफ परदेसी, डिजिटल मार्केटर एंड ब्लॉगर। और ये वीडियो इसके रिलेटेड बिल्कुल नहीं है कि इस वीडियो में मैं आपको निशेस दूंगा या मैं आपको कीवर्ड्स दूंगा जो कि अपनी वेबसाइट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट के लिए आप उन टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिख के गूगल एड्स से ट्रैफिक ले सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उसका मेथड बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप उन कीवर्ड्स के लिए रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे कीवर्ड की रिसर्च करना सिखाऊंगा जो कि क्विक होंगे और उसे आप जल्दी से जल्दी अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक गेन कर सकेंगे और उससे आप गूगल एडसेंस से मनी मेकिंग कर सकेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वेबसाइट है, आप उसके लिए रिसर्च करना चाहते हैं या आप एक न्यू वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों चीजों के लिए आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस कीवर्ड्स के ऊपर। बेस्ट परफॉर्मेंस कीवर्ड्स के अंदर हम तीन तरह की चीजें आती हैं। पहले नंबर पे आता है ब्लॉग, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है फोरम एंड थर्ड नंबर पे आता है टूल बेस्ड वेबसाइट। अब हम बात करते हैं ब्लॉग वेबसाइट कौन सी वेबसाइट्स होती हैं। जैसा कि आपके पास डिफरेंट किस्म की ब्लॉग हो गए जिसके अंदर आप रेगुलरली कॉन्टेंट अपडेट करके रेवेन्यू गूगल एडसेंस से कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं फोरम जिसके ऊपर फोरम क्रिएट करके उसके ऊपर आप उससे गूगल एडसेंस के थ्रू मनी मेकिंग कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है टूल बेस्ड वेबसाइट। टूल बेस्ड वेबसाइट के अंदर हमारे पास यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर जैसी वेबसाइट्स और फेसबुक वीडियो डाउनलोडर जैसी वेबसाइट से आप गूगल एडसेंस से मनी मेकिंग कर रहे होते हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कीवर्ड रिसर्च बेसिक टू एडवांस रिसर्च करना सिखाऊंगा। अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका ब्लॉग का टॉपिक प्रीसाइज होना चाहिए, यानी आपका टॉपिक मैक्रो होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करें। अगर आपको मैं प्रीसाइज टॉपिक की एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं, मैं डोमेन ले लेता हूं computer.com आगे फर्दर डिवाइड होता है दो टॉपिक्स के अंदर, प्रोडक्ट बेस एंड इंफॉर्मेशनल बेस। प्रोडक्ट बेस के अंदर उसकी डिफरेंट एक्सेसरीज हो रही होती हैं एंड सेकंड नंबर पे आप उसके अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज या उसके बारे में हाउ टू गाइड्स जैसे आप टॉपिक्स के ऊपर कवर कर सकते हैं। आपका टॉपिक जितना प्रीसाइज होगा उतना जल्दी आप अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लेने में हेल्पफुल रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि गूगल किन वेबसाइट को ज्यादा पसंद करता है। गूगल उन वेबसाइट को ज्यादा पसंद करता है जिनका टॉपिक ज्यादा स्पेशलिस्ट होता है, यानी जो एक टॉपिक को उठाते हैं एंड उसी को फर्दर एक्सप्लेन करते जाते हैं। इट मीन गूगल एक्सपर्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा होता है बनिस्बत एक ऐसे बंदे को जो कि एक अपनी वेबसाइट के अंदर कंप्यूटर्स भी इंक्लूड कर रहा है, लैपटॉप, मैकबुक्स एंड गेमिंग जैसे मटेरियल को कवर कर रहा है। तो उनमें से गूगल उनको ज्यादा प्रायोरिटी देगा जो कि स्पेशलिस्ट होंगे और एक ही चीज को टोटली हर एंगल से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। आज जो स्टेप्स बताने वाला हूं, आप उनको अपने तरीके से मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है फाइंड अ प्रॉब्लम, आपने देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, आपने फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करना है। और इस रिसर्च को हम करेंगे एक टूल एचरेफ जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है। और आपके माइंड में कोई एक टॉपिक होना चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि टॉपिक हम कहाँ से लें, तो आप टॉपिक आइडियाज मल्टीपल वेबसाइट जैसे कि इजैन आर्टिकल्स एंड और भी मल्टीपल वेबसाइट, अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसके ऊपर क्लिक करके मल्टीपल निशेज का आइडिया ले सकते हैं। तो आपके माइंड में एक टॉपिक आ गया, अब आपने अपने इस टूल की मदद से इस रिसर्च को मजीद कंटिन्यू करना है। सो मेरे पास एचरेफ ओपन है और यहाँ पे ऊपर हम जाएंगे कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर। कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर जाने के बाद सिंपल मेरे पास जो टॉपिक मेरे माइंड में है तो मैं वह एंटर करता हूँ लैपटॉप। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सर्च वाले बटन पे पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे इसने रिजल्ट्स दिखा दिए जहाँ पे इसके कीवर्ड डिफिकल्टी वॉल्यूम एंड ग्लोबल वॉल्यूम इसने मुझे शो करा दिया। इसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है USA के अंदर, फिर UK के अंदर, फिर इंडिया के अंदर। तो आपको जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर हो रही होती है। तो सिंपल यहाँ पे मैं आऊँगा क्वेश्चन के टैब के अंदर, तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल्स कीवर्ड देखने को मिल रहे हैं और मैं इनके ऊपर इन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी एक स्पेसिफिक डोमेन लेके इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और मेरी ब्लॉग के ऊपर जल्द से जल्द ट्रैफिक आएगी। अब आपकी कैटेगरीज कुछ इन कीवर्ड्स की तरह हो रही है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल्स कैटेगरीज नजर आ रहे हैं।
तो आपकी डोमेन हो सकती है laptopguides.com या इसके रेलिवेंट आपकी डोमेन हो सकती है, जिसके अंदर आप लैपटॉप के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह के निशेस को अवॉइड करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं किसी की हैप्पीनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सेफ्टी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, आपने इन निशेस से अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं कि इन टॉपिक्स को अवॉइड करने का मैंने क्यों बोला है, क्योंकि इन वेबसाइट के ऊपर अथॉरिटेटिव साइट्स रैंक हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी भी नहीं है, फिर भी आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वो हो सकता है किसी की हैप्पीनेस के ऊपर बैड इफेक्ट पड़े, किसी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर या कुछ भी। आप किसी ऐसे बंदे से कोई भी चीज़ का सलूशन नहीं लेंगे जो कि उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं है। तो आप डोमेन या आपकी ब्लॉग एक्सपर्टी शो कर रही होती है आपके डोमेन के DA से, यानी डोमेन अथॉरिटी ही आपको शो कर रही होती है कि आपके पास कितनी एक्सपर्टीज हैं। और इसी सिलसिले में गूगल आपका ट्रस्ट चेक कर रहा होता है, और जो आपका ऑथर आपका कॉन्टेंट राइट कर रहा होता है, गूगल बेसिकली उसकी अथॉरिटी चेक कर रहा होता है, क्या उसके पास इतना नॉलेज भी है जो चीज़ शेयर कर रहा है। अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो इस पर गूगल को फाइन या किसी और सिलसिले से सामना करना पड़ सकता है। सो ये थी वीडियो कि आप किस तरीके से अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, और कीवर्ड रिसर्च करके अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं, और ट्रैफिक लाने के बाद आप गूगल एडसेंस से मनी मेकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको इन तमाम बातों की समझ आ गई है तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आई विल डू लिखना मत भूलिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि आपको समझ आ गई और आप इसके ऊपर अमल करेंगे, और इससे मेरी मोटिवेशन अपकमिंग वीडियोज के लिए बूस्ट कर देता है। अगर इस तमाम प्रोसेस के दरमियान आपका कोई सवाल है या कोई चीज मैंने मिस कर दी तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर प्लेस करने, और मैं उसकी डिटेल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि गूगल एडसेंस किस तरीके से काम करता है, तो मैंने इस सीरीज की पहली वीडियो बनाई थी कि गूगल एडसेंस किस तरीके से काम कर रहा होता है, तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि गूगल एडसेंस किन फैक्टर्स के ऊपर काम कर रहा होता है। तो जाते जाते आपने चेक कर लेना है, आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पेज लाइक किया हुआ है, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है। आपने अपने दोस्तों को जरूर टैग करना है जो कि सेम फील्ड में है और स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड एंड सेफ डे।